मैं आतिफ असलम का जो शो देखने के लिए आया था लेकिन मुझे यहाँ से पास नहीं मिला, अब बताओ क्या किया जाए। अभी फायरवर्क का टाइम हो गया और फायरवर्क हैप्पी न्यू ईयर, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फायरवर्क यहाँ पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं हूँ बैरिया टू में, न्यू बैरिया वन और बैरिया टू की लॉन्चिंग है, आज न्यू ईयर भी है, तो सोचा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। आज वहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, एक सेरेमनी भी होने वाली जिसमें आतिफ असलम और काफ़ी सारे जो है वो सेलिब्रिटीज आएंगे, तो सोचा ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, खुद इन्जॉय करूँ, आप लोगों को भी करवाऊँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पर और पब्लिक इतनी ज़्यादा पागल हुई है, अभी सिर्फ 8 बजे हैं लेकिन मैं 12 बजे तक का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा, तो चलिए रहिए मेरे साथ। फाइनली बहुत मुश्किलों से हम लोग पहुंचे, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मेरे पीछे देख रहे हैं आप बैरिया टू और पीछे से आवाज़ें आ रही है, कॉन्सर्ट भी शुरू हो गया, तो हम लोग इन्जॉय करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त यार भी हैं, तो छुपे हुए अभी कैमरे के पीछे, लेकिन जैसे ही कॉन्सर्ट शुरू होगा तो सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं और आप लोगों को भी इन्जॉय कराऊंगा, तो चलिए आइए दिखा दो आपको एक लुक पूरा बैरिया का। हाँ भाई मिस्टर फैसल आ गए। हाँ यार बहुत ठंड हो रही है लेकिन जो है अब कॉन्सर्ट देख के पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बाकी आप लोगों को हम बताएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को हम नहीं बताएंगे, पहले तो हम खुद देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को इनको बताएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है इन लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज आ रही है कहाँ पे हो रहा है? आवाम जो है आवाज तो आ रही है कि आवाम पब्लिक इतनी नजर नहीं आ रही, आएगी पब्लिक, हम लोग जल्दी आ गए, लोग इतने फारिग नहीं ना हमारी तरह। हम तो आ गए आप लोगों की चाहत में कि हम ब्लॉग बना लें और ब्लॉग दिखाएं आप लोगों को, सारी चीजें वक्त से पहले दिखा दें, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम के हिसाब से ही आएंगे। ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है अल अहद स्क्वायर और जिस तरह से दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है बैरिया टाउन, इसके पीछे मुझे लग रहा है ये न्यू दिल्ली की कोई जगह है या फिर ये मुल्तान वाली कोई जगह है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है भाई। भाईजान जी, भाईजान क्यों भाग रहे हैं आप? भाईजान ठंड हो रही है, क्या भाग रहे हो, क्या करेंगे? तो ये आप जैकेट जो अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं ये किस लिए है? इतनी भी नहीं हो रही यार, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैंने तो देखा सर से टोपा भी नहीं उतारा हुआ। नहीं मुझे इतनी लगी, बस है हल्की है, हल्की ठंड है। यहाँ पे कांप रहा है, यहाँ पे कांप रहा है और कह रहा है कि ठंड नहीं है। यहाँ जगह जगह स्टॉल लगे हुए खाने पीने के, फूड के, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या खाने पीने के लिए है। अच्छा है, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा हम लोगों का।
यार मैं आतिफ असलम का जो शो देखने के लिए आया था लेकिन मुझे यहाँ से पास नहीं मिला, अब बताओ क्या किया जाए? बस कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर पासेस का क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है। इसका मतलब फिर वापस आया जाए, कोशिश की जाए क्योंकि मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, मोहब्बत में कमी पेशी नहीं आनी चाहिए, दूर से ही देख लें। बिल्कुल रहनी चाहिए और भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, इंस्पायर मैन है हमारे भाई, तो इनकी बात पे शायद हो सकता है कि कुछ हमारे लिए भला हो जाए और हम कोशिश करें। ओके, लेकिन ऊपर देखो हीटर लगा हुआ है, फिलहाल हीटर के नीचे बैठे हैं। ये सही जबरदस्त चीज बनाई हुई इन लोगों ने, चेक करो ये है। हाँ भाई क्या तासुरात है आपके? ठंडी के मारे यहाँ पे हाल बज रहे हैं और हालत टाइट हो गई, और जिस काम के लिए आए थे वो काम भी नहीं हो रहा है। आतिफ तो आया नहीं अभी तक। आतिफ नहीं 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 आया अभी भाई, नहीं अभी नहीं आया। आतिफ आएगा 12 बजे तक मेरे ख्याल में, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, उम्मीदें हैं। आशीष जो है वो मिल नहीं रहे हैं और अभी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, और मुझे लगता है कि अब शायद वापस जाना चाहिए, रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लेकिन स्पाइडरमैन ने कहा है कि कोशिश करो, हो सकता है शायद हम लोगों को जो है कॉन्सर्ट देखने का मौका मिल जाए, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, कोशिश करेंगे। तो गाइस खाया पिया तो मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन वही है कि गिलास थोड़ा 12 में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें चेक की हैं और देख रहा था, बाकी मेरा बिल्कुल फुल था और काफ़ी डबल रेट थे यहाँ पर, जो जो चीज़ें थी नॉर्मल चीज़ें थी लेकिन रेट बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने कम चीज़ें खाई हैं। सीधा जा रहा हूँ कॉन्सर्ट देखने और बिल्कुल सामने हो रहा है, वहाँ पर चलते और दिखाते हैं आपको कॉन्सर्ट। और अब मैं जा रहा हूँ काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद, अब देखते हैं, दूर से ही देखना पड़ेगा लेकिन देख लेंगे, इतने खुश हो जाएंगे यार जितना हो सकता है। आतिफ के कॉन्सर्ट में आ गए और ये आतिफ साहब भी आ गए, आप देख सकते हैं, ये आतिफ टू आ गए, आतिफ का बैंड है ना, बहुत हो आप बस, लेकिन आप नहीं लग रही ठंड, जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद कम से कम पूरा हो गया हमारा। हाँ मुझे तो यकीन नहीं था, खैर कॉन्सर्ट में मुझे पूरा था, मैं जितनी देर यहाँ पे वेट किया ना मुझे पूरा यकीन था कि आएगा आतिफ और आ गया। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा।
हैप्पी न्यू ईयर।